श्री राघवेंद्र राय नमः। बदले बदले से हालात नजर आते हैं, क्या हो गया है श्रीमान नीतीश कुमार को, अब जाएं तो जाएं किधर। बीजेपी भाव नहीं दे रही, आरजेडी भाव नहीं दे रही और कम वोटों पर भी, कम विधायक पर भी हम मुख्यमंत्री बनते रहे। अक्सर लोग इस चीज़ की विवेचना यूट्यूब में करते हैं कि बीजेपी का जानाधार नहीं। उनको एक बात सुन लेना चाहिए कि आरजेडी और जदयू जब अलग अलग लड़ता है तो पता चल जाता है कि बीजेपी का जनाधार कितना है। एक बार 33 सांसद बीजेपी से निकले थे, 2 नीतीश कुमार से निकले थे और आरजेडी से 4 और 1 कांग्रेस के। बीजेपी एक मजबूत और स्थायी जनाधार वाली पार्टी है। सच तो ये है कि नीतीश कुमार के चलते इसका जनाधार कम हो रहा है। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को अब नहीं चाह रहे हैं। कारण है भ्रष्टाचार और कारण है लॉ ऑर्डर। भ्रष्टाचार पर एकदम ये सरकार नाकामयाब साबित हुई है। बिना पैसे का किसी भी ऑफिस में आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उद्घाटन होके चलता है और पुल साथ ही साथ चल देता है, हवा में उड़ जाता है और कहीं कोई शोर नहीं होता है कि जिम्मेवार लोगों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो चीफ इंजीनियर, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो ओवरसियर और जिनकी देख रेख में ये हुआ उनको क्या सज़ा मिली, न जाने क्यों मौन है प्रबंधन भ्रष्टाचार के ऊपर। हत्याएं हो रही हैं और मौन है प्रशासन हत्याओं के ऊपर। यही अगर तुलना की जाए तो यूपी का प्रशासन क्यों इतना अलर्ट मोड पे है और यूपी में भ्रष्टाचार क्यों कम हो गया है, इस बात की खोज होनी चाहिए और बीजेपी इसी